वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर। अगर वीडियो पे क्लिक कर दिया देन वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि आज की वीडियो पर मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ मोशन ट्रैकिंग का। एंड आज मैं आपको अलाइट मोशन साथ ही में कैपकट दोनों एप्लीकेशन के अंदर करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको जो एप्लीकेशन यूज करने में अच्छा लगता है उसमें आप मोशन ट्रैकिंग कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अलाइट मोशन में एडिट करते हैं, ठीक है। तो अलाइट मोशन ओपन किया एंड प्लस बटन के ऊपर टैप करेंगे, देन 9:16 या फिर जो भी आपका रेशियो होगा वो आप सेलेक्ट कर लेना। देन क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर टैप करते हैं, प्लस बटन के ऊपर टैप करके मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से 6 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और जो वीडियो आपको एडिट करने वाले उस वीडियो को सेलेक्ट करना है, देन प्लस बटन के ऊपर टैप करना है तो वीडियो यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा। अब मोशन ट्रैकिंग करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आप वीडियो को प्ले करके देख लो, ठीक है, कहां तक आपको इसमें मोशन ट्रैकिंग करना है ये सब, ठीक है। तो मैं चाहता हूं ये 5 सेकंड तक मोशन ट्रैकिंग करूं, सो इतना दूर तक मैं रखूंगा एंड इसे यहां से कर देंगे कट, ठीक है। तो वीडियो हमारा यहां से कट हो चुका। देन उसके बाद मोशन ट्रैकिंग करना है तो सिंपली सा आपको प्लस बटन के ऊपर टैप करना, टेक्स्ट के ऊपर टैप करना, देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी लिरिक्स होगा उसे आप लिख लेना, बट मैं यहाँ पे जस्ट मोशन ट्रैक लिख रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको फॉन्ट के ऊपर टैप करना है, जो फॉन्ट अच्छा लगे उस फॉन्ट को सेलेक्ट करना है, कलर के ऊपर क्लिक करना है एंड कलर को जस्ट वाइट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद डन करना है। डन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक टेक्स्ट आ चुका है और बैकग्राउंड भी वाइट है, टेक्स्ट भी वाइट है, तो सही से हमारा टेक्स्ट पता नहीं चलेगा, इसलिए हम यहाँ पे जस्ट बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड शैडो को इनेबल कर देंगे। शैडो को इनेबल करने के बाद अल्फा को हम थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा नहीं मीन्स इसे आपको ज्यादा से ज्यादा 50 रखना है, मीन्स 50-50 कर देना है, ठीक है। देन बैक करेंगे एंड ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसे पूरा वीडियो में अप्लाई करना है, सो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके पूरे वीडियो को लास्ट तक आएंगे एंड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद इस टेक्स्ट को हम अपने कार के ऊपर लेके आएंगे इस तरीके से और उसके बाद मूव हैंड ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करके स्टार्टिंग में आ जाएंगे। अब मोशन ट्रैकिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसका साइज को हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि पता तो चले ना। उसके बाद ये जो आपको फर्स्ट में ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ से आप अपने कार के ऊपर इसे फिक्स कर लो। देन उसके बाद प्लस बटन के ऊपर टैप करो, थोड़ा सा आपको आगे आना है, आपका कार जहाँ पे होगा उसके पास इसको रखना है, फिर से थोड़ा सा आपको आगे आना है, फिर से अपने कार के पास इसे लेके जाना है। अगर आपका कार आगे जाता है तो इसे आपको आगे करना है, पीछे जाता है तो पीछे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो तो ये आगे आ गया है तो इसे हम थोड़ा सा और पीछे कर दें। तो इस तरीके से करके आपको मीन्स अपने कार के हिसाब से इसे फिक्स करते जाना है या फिर आप जो भी चीज़ को ट्रैक कर रहे उसके हिसाब से आपको इसको रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कार को ट्रैक कर रहा हूँ तो इसलिए हम जस्ट यहाँ पे कार के साथ इसे आगे या फिर पीछे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो मोशन ट्रैक है वो हो चुका है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टाइप का मोशन ट्रैक एंड सेकेंड टाइप का मोशन ट्रैक कुछ ऐसा रहता है। तो इसमें देख सकते हो ये जो हमारा वीडियो है वो जूम आउट हो रहा है, वो तो बहुत ही सिंपल वीडियो था हमारा फर्स्ट वाला जिसमें सिर्फ आगे जा रहा था तो हमने आगे कर दिया एंड वीडियो बन गई, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें हमारा आगे भी जा रहा है एंड साथ ही में जूम इन भी हो, जूम आउट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अब इसे हम कैसे एडिट कर सकते हैं, तो देखो स्टेप तो वही होने वाला है, जस्ट उसमें थोड़ा सा हम और कुछ एडिट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस बटन के ऊपर टैप करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर टैप करेंगे एंड अगेन हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट को लिख लेंगे, फॉन्ट ये सब भी जल्दी से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर की बात रहे तो कलर तो इसमें व्हाइट चलेगा सो व्हाइट को हम सेलेक्ट करेंगे, देन डन कर लेते हैं। ना उसके बाद मैं चाहता हूँ ये वाला जो पॉइंट है इसे ट्रैक करना, अब इसे ट्रैक करना है तो इसके ऊपर लाके मैं इसे फिक्स कर दूंगा, साइज थोड़ा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ इतना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देन उसके बाद यहाँ से हम कुछ इस तरीके से फिक्स करते हैं, अगेन अपने टेक्स्ट को हमें पूरे वीडियो के लास्ट तक करना होगा, सो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, पूरे वीडियो के लास्ट में आते हैं एंड इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारे पूरे वीडियो के लास्ट में आ गया। अब मोशन ट्रैकिंग करना है तो इसके लिए स्टेप हमारा सेम होने वाला है, इसके ऊपर हम टैप करेंगे, फिर मूव एंड ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसे जिसके सामने भी हमें मोशन ट्रैक करना है वहाँ पे फिक्स आउट करना होगा, प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करना होगा, थोड़ा सा आपको आगे जाना है एंड जिधर आपका वो एलिमेंट जा रहा है उधर जस्ट आपको अपना टेक्स्ट को मूव करवाना है, ठीक है। फिर से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर ये बैक चला गया तो हम फिर से यहाँ पे बैक कर देंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड इस तरीके से करके आप पूरा वीडियो इंटायर वीडियो में इसे ट्रैक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसे ट्रैक कर सकते हो, देन इस तरीके से ट्रैक कर लेने के बाद भी मीन्स पूरा परफेक्टली नहीं होता, इसमें आपको एक और एडिटिंग करनी होगी क्योंकि यार ये देखो जूम आउट हो रहा है, ठीक है। सिंपली से अगर ये मूव होते रहता तो सही था,
बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये जूम आउट हो रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ से ये तो जा रहा है, ठीक है, मोशन ट्रैक हो रहा है, बट उतना सही नहीं लग रहा है, रियल नहीं लग रहा है, ठीक है। अब इसे रियलिस्टिक बनाने के लिए आपको इसके ऊपर टैप करना है, देन अपने मूव एंड ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक स्केल मिलता है, इसके ऊपर आके प्लस का एक साइन लगा देना, वीडियो के लास्ट में एक प्लस का साइन लगा देना। अब अगर आपको वीडियो जूम इन है, ठीक है, तो जूम इन रहेगा तो आप इसका साइज इंक्रीज कर देना, बट यहाँ देख सकते हो हमारे जो वीडियो है वो जूम आउट है, तो इसका जो साइज होगा उसे हम यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। डिक्रीज करने के बाद डन करेंगे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मोशन ट्रैकिंग है वो परफेक्टली हमारा हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखो मैंने तीन तरीके का मोशन ट्रैकिंग दिखा दिया है, एक जूम इन, जूम आउट एंड एक नॉर्मली स्लाइडिंग वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो, एडिट हो जाए देन एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर टैप करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम कैपकट में कैसे कर सकते हैं, तो कैपकट में करने के लिए सिंपली से हम कैपकट को ओपन करते हैं, देन उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं एंड अपने वीडियो को सेलेक्ट करते हैं। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारा वीडियो ऐड हो चुका। अब इसे भी हम थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा टाइम का है, तो उतना टाइम तक मैं मोशन ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ तक कर रहा हूँ, इनसे 10 सेकंड तक इसे रखता हूँ एंड बाकी पार्ट को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 10 सेकंड तक हमारा ऐड हो गया। अब इसमें मोशन ट्रैकिंग करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट लिखना होगा, सो टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड अगेन मैं यहाँ पे मोशन ट्रैक ही लिख रहा हूँ, ओके। देन उसके बाद आपको यहाँ स्टाइल देखने को मिलता है, फॉन्ट देखने को मिलता है, तो देखो मैं यहाँ पे VPN से कनेक्टेड नहीं हूँ इसलिए मुझे कोई फॉन्ट ये चूज करने के लिए नहीं दे रहा है, तो मैं इसी फॉन्ट से काम चला रहा हूँ। आप VPN से कनेक्ट होके कोई फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, मैं फिलहाल डन कर रहा हूँ। देन उसके बाद इसका साइज को हम थोड़ा डिक्रीज कर दें क्योंकि हम शिप को ट्रैक करने वाले हैं, अब शिप से भी बड़ा साइज रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, तो इतना हम रखते हैं इसको। देन इसका भी जो ड्यूरेशन होगा उसे पूरा वीडियो के लास्ट तक कर देते हैं। देन स्टार्टिंग में आना है एंड प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करना है, ये जो आपको देखने को मिला इसके ऊपर टैप करना है। तो सबसे पहले तो इसे हम अच्छे तरीके से अपना शिप के पास रख लेते हैं, देन उसके बाद थोड़ा सा मूव करते हैं। मूव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा एलिमेंट है मीन्स शिप वो भी मूव कर रहा है, तो हम टेक्स्ट को भी थोड़ा सा आगे कर देंगे। फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा थोड़ा मूव किया, तो टेक्स्ट को भी मूव कर देंगे, फिर से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो ये जो हमारा शिप है वो आगे जा रहा है, तो हम अपने टेक्स्ट को भी आगे लेके जाएंगे। अब अगर यहाँ पे शिप का जो साइज हो वो अगर बड़ा होता तो जूम इन करते मीन्स इसे हम थोड़ा इंक्रीज करते, एंड अगर छोटा होता तो डिक्रीज करते, बट ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ आगे एंड पीछे मूव कर रहा है, तो इसे हम जस्ट यहाँ पे आगे करते जाएंगे ना। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा मोशन ट्रैकिंग है वो परफेक्टली हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो ये शिप के साथ साथ ये हमारा जो टेक्स्ट है वो भी मूव कर रहा है, तो मीन्स यार यही खेल होता है, आपको यहाँ जस्ट एनिमेशन की का अच्छे तरीके से यूज करना है। इस तरीके से करके आप आराम से इसमें मोशन ट्रैकिंग कर सकते हो, मोशन ट्रैकिंग हो जाए देन एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर टैप करके यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, इस तरीके से करके आप मोशन ट्रैकिंग कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।